तो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ऐसी फ़ोटो को ऐसी फ़ोटो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी कुछ इजी स्टेप्स में। अगर आप एक बिगनर हैं तब भी आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये लाइट्स के साइड में एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इससे आपकी ऑटोमेटिकली से आपकी लाइटिंग जो है एडजस्ट हो जाएंगी। तो देन ये करने के बाद आपको चलना है कलर्स में। कलर्स में चलने के बाद आपको सबसे पहले अपना टेम्परेचर बढ़ा लेना थोड़ा सा, देन ये हो गया। देन इसके बाद आपको टिंट भी बढ़ा लेना है। टिंट बढ़ाने के बाद आपका इसका जो वाइब्रेंस है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, बस इतना, ठीक है। देन आपको कलर में चलना है। कलर में चलने के बाद इसका सबसे पहले आपको ल्यूमिनस बढ़ा लेना है, देन सही है इतना। देन ये जो ऑरेंज जो फेस का कलर होता है इसका भी आपको ल्यूमिनस बढ़ा लेना है, इतना ठीक है बस। देन आपको ये जो येलो कलर है इसका हुई बिल्कुल कम कर देना है, देन अराउंड हम 1-55 रखेंगे। देन इसका सैचुरेशन बिल्कुल कम, एंड ये जो ग्रीन कलर है इसका भी आपको हुई अराउंड माइनस का 53-51 रख देते हैं, एंड इसका सैचुरेशन माइनस 75। ओके, ये हो चुके हैं हमारी सारी सेटिंग्स। और ये चार कलर को हमने छेड़ा है, बाकी के जितने भी कलर हैं इसका आपको सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देना है। सैचुरेशन कम, और इसे करते हैं हम डन। ये हमारा हो गया थोड़ा सा। देन आप देख ही सकते हैं कि हमारी पहले कैसी थी फ़ोटो और अब कैसी है। तो थोड़ी इसकी लाइट्स हमारी एडजस्ट हो चुकी है। देन आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्टिव में चलना है, एंड यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसे देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया, एंड देन आपको थोड़ा सा फेस के उस पर रख देना है। देन इसका आपको लाइट्स में चलना है, एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा सा गेन कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है वरना थोड़ा नकली सा लगेगा, बहुत मतलब थोड़ा सा करना है। हाँ, इसे करते हैं डन। एंड अब इसको मुझे लग रहा है इसके शेडोज़ थोड़ी सी कम है, तो बिकॉज़ हमारे फेस पे भी थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा है, साइड में देख सकते हैं आप थोड़ा सा अंधेरा है, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी शेडोज़ हमें गेन कर लेनी है। तो यहाँ हमने कर लिए शेडोज़ को गेन 89, एंड इसका जो ब्लैक से थोड़ा सा और कम कर देते हैं, दैट सेट सही लग रहा है बिल्कुल। देन ये हमारी फ़ोटो एक ही कुछ ही सेटिंग्स में हमारी बिल्कुल बढ़िया एडिट हो चुकी है। देन हमको ये जो स्क्वायर साइज ऑप्शन लिख रहा है आपके यहाँ पर क्लिक करना है, एंड इसकी हमें क्लियरिटी थोड़ी सी गेन कर लेनी है, ये हो गया। देन इसका वीन हेड थोड़ा सा कम करना है, दैट्स इट। देन हमको आसमान में थोड़े क्लाउड्स के PNG लगाने हैं, और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेंशन मत लीजिए। तो इस फोटो को हम कर लेते हैं सेव, सेव टू डिवाइस। थोड़ी सी ये प्रिपेयरिंग कर रहा है, हो जाएगी हमारी फ़ोटो सेव। देखिए यहाँ पे फ़ोटो हमारी सेव हो चुकी है। देन आप चलते हैं पिकार्ट्स में। पिकार्ट्स में आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ टूल में चलना है, एंड यहाँ पे आपको ऐड फ़ोटो करना है। ऐड फ़ोटो करने के बाद आपको जो क्लाउड्स का जो था PNG वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट में जाके ये रहा वो, एंड इसे करते हैं डन। एंड अब आपको जो है इसे थोड़ा सा इसका साइज़ जो है गेन कर लेना है, एंड इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ गेन करके यहाँ पे इसको रख देना है। ओके, सही लग रहा है मुझे,
मैं इतना कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे ओवरले कर देना है। ओके दैट्स इट, इतना सही है। और इसे करते हैं हम डन। एंड अब हम दोबारा से इसी पीएनजी को लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो ये है इसको ऐसे रख देना है, इसको थोड़ा सा गेन कर लेना है जिससे कि थोड़ा सही लगे। बस इतना आपको रखना है, अपने हिसाब से आप रखिए तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो इतना मुझे लग रहा है परफेक्ट ही है, तो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। बस ऐसे करते हैं हम डन। एंड देख सकते हैं ये जो इसके जो साइड्स थोड़े से पता लग रहे हैं उसे हम ब्लर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर से मैं ले लेता हूँ इसी पीएनजी को। थोड़ा सा हम इसे गेन कर लेते हैं। और इसका ब्लेंडिंग मोड तो आपको पता ही है, ओवरले हमने रखा ही है, तो इसे थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट। एंड इसकी जो ये चीज़ पता लग रही है आपको, उसे हम इरेजर से थोड़ा इरेज कर लेंगे। ओके देखिए, अब ये पता नहीं लगी बिल्कुल, हो गया यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट। एंड देन इसको हम कर लेते हैं सेव। अब आपको चलना है एफएक्स पे। एफएक्स पे चलने के बाद आपको यहाँ से एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है, ब्लर पे क्लिक कीजिए। ये रहा ब्लर। देन इसका जो परसेंटेज है आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, 9 तक आपको रख देना है, तो इतना ठीक है। और अब इसको आपको इरेज कर लेना है पूरे को, मतलब जहाँ जाके आपकी बॉडी है बॉडी पे आपको इरेज कर लेना है अच्छे से। एंड देन ये इरेज होने ही वाला है, बस हो गया इरेज। एंड आपको फिर से रिस्टोर करके मैं आपको बता देता हूँ एक बार एग्जांपल के तौर पर। ऐसे आपको ब्लर करना है सिंपली सा, आपकी एजिस पे ना जाए, आपको ऐसे थोड़ा टाइम लगा के करना तो आपका परफेक्ट ब्लर होगा। तो मैं इसे जल्दी से फटाफट से ब्लर कर लेता हूँ। ब्लर भी बिल्कुल परफेक्टली कर लिया है और आप देख ही सकते हैं कितना सही ब्लर हुआ है यहाँ पर। ओके तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करा और आपको नॉलेज दी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पर आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।